हेलो भाई लोग, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये वीडियो में अराउंड 4 to 5 एयर ड्रॉप्स की हम लोग बात कर रहे हैं। कुछ ऐसे एयर ड्रॉप हैं जो ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो चुके हैं, आप उनको जाके क्लेम कर सकते हो, उनकी ट्रेडिंग भी चालू हो गई है। और कुछ ऐसे एयर ड्रॉप हैं जो अगले 1 से 2 दिन में उनकी ट्रेडिंग चालू होगी, क्लेम चालू होगा। और उसके साथ साथ हम लोग लेयर जीरो का भी बात करेंगे, जो काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल यहाँ पर इन्होंने एयर ड्रॉप की अनाउंसमेंट किया है, तो इन सब के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट 1 by 1। जो फर्स्ट एयर ड्रॉप है जो मेरे स्क्रीन पे आप देख सकते हो, जीरो टोकन एयर ड्रॉप, तो यहाँ पे मुझे 209,000 एयर ड्रॉप की एलोकेशन हुई है। एक्चुअली ये अमाउंट इतना बड़ा दिखा रहा है बट इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा नहीं है। आप यहाँ पे देख सकते हो अराउंड 166 जो अभी मैं क्लेम कर सकता हूँ, और $249 जो है ये वेस्टेड हुआ है। मतलब इसको मैं 3 महीने के बाद धीरे धीरे इसको मैं क्लेम कर पाऊँगा, मेरे अकाउंट में आएगा। बेसिकली ये जीरो जो टोकन है, ये जीरो लैंड का टोकन है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई थी कुछ 3 से 4 महीने पहले। अगर आपने देखा होगा तो आपने इसको यूज़ किया होगा। जीरो लैंड एक लेंडिंग एंड बोरोइंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनका पॉइंट सिस्टम था। तो मेरे को कुछ आई डोंट नो कितना मेरे को पॉइंट्स कुछ मिला था यहाँ पे, और वो जो पॉइंट्स है ये कन्वर्ट हुआ है जीरो टोकन में। और ये ऑलरेडी यहाँ पे ट्रेड हो रहा है 0.000007 में, सारे एक्सचेंजेस पे लिस्ट हुआ है OKX KuCoin पे। तो अगर आपने यूज़ किया था जीरो लैंड पर, लैंड एंड बोरो किया था, अगर आपके पास पॉइंट्स हैं तो आप इसी लिंक पे जाओ, इसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और अपना वॉलेट कनेक्ट करो मेटामास्क, और मेक श्योर करना कि ये आप लीनिया नेटवर्क पे स्विच कर रहे हो। तो ये जो है लीनिया नेटवर्क पे है, तो लीनिया नेटवर्क पे जैसे करोगे आपको दिखा देगा कितना आप एलिजिबल हो। नाउ इसमें एक जो क्राइटेरिया इन्होंने बताया, जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि यहाँ पे 40% जो है अभी आप क्लेम कर पाओगे, ओके। एंड जो बाकी के हैं आपके जो जीरो टोकन है वो अगले 3 महीने के बाद धीरे धीरे उसको रिलीज होना चालू करेंगे। तो आजकल जो एयर ड्रॉप्स है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, तो उतना आसान नहीं है कि मतलब पूरा एयर ड्रॉप रिलीज हो गया और आप उसको तुरंत ट्रेडिंग कर पाओ। तो यहाँ पे आई थिंक ये बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसा करने वाले हैं कि जब आपको एयर ड्रॉप करेंगे तो आपको एटलीस्ट 40-50% तुरंत आपको क्लेम करने बोलेंगे, और बोलेंगे 40-50% आपको नेक्स्ट 3 मंथ में या नेक्स्ट 6 मंथ्स में रिलीज होगा, ताकि टोकन डंप ना हो। एक तरफ से ये सही भी है, पर एट द सेम टाइम आपको पूरा एयर ड्रॉप नहीं मिलता है। तो आई थिंक ऐसा बहुत सारे प्रोजेक्ट आगे करने वाले हैं। लेट मी नो द कमेंट बॉक्स बिलो, मैं इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप क्लेम करके मेरे को बताना अगर आप एलिजिबल हो तो, मुझे बताना कमेंट में। जो सेकेंड है इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई थी, तो जीरो लैंड हो गया, दूसरा ड्रिफ्ट टोकन। तो ये जो ड्रिफ्ट है ये सोलाना पे है, और इन्होंने भी यहाँ पे देख रहे हो मेरे को कुछ 200 ड्रिफ्ट एक्चुअली मिला था, इसमें मिला है। एक्चुअली ये क्लेम नहीं कर पाऊंगा मैं अभी, हाल ही में एलिजिबिलिटीज का चेक कर पा रहा हूँ। और ये ड्रिफ्ट ट्रेडिंग भी चालू नहीं है, तो लाइव नहीं है, मैं इसको ट्रेड भी नहीं, क्लेम भी नहीं कर सकता, और इसका ट्रेडिंग भी नहीं चालू है, सिर्फ आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हो। तो अगर आपने ये वीडियो देखी थी था, अगर आपने पॉइंट्स कमाया था, तो ये इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा इसका लिंक, यहाँ पे आप जाके चेक कर सकते हो। एंड इसके साथ साथ आप इनको फॉलो करो, जैसे मैंने बताया ये ऐसे मैंने $10 ट्वीट किया था। ऑब्वियसली इसका टोकन सप्लाई बहुत ज़्यादा है और $10 तक नहीं जाएगा, बट इनका अभी तक इनको ट्विटर पे आप फॉलो करो, जब ये लोग यहाँ पे आप बता पाएंगे ये लोग कि कब ये लोग अनाउंसमेंट करेंगे लिस्टिंग का और ट्रेडिंग का। तो फिलहाल आप एलिजिबिलिटी सिर्फ चेक कर सकते हो। जो तीसरा है वो मोड टोकन एयर ड्रॉप। नाउ मोड के ऊपर भी मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हो 3 से 4 महीने पहले, और मोड ने अनाउंसमेंट किया है क्लेम मोड टोकन ऑन 7th मे। तो मतलब कल आप इसको क्लेम कर पाओगे, और ये season 1 है, तो बेसिकली इनका season 2 भी होने वाला है। तो season 2 बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 500 मिलियन जो टोकन है ये season 1 के लिए एलोकेट, season 2 के लिए एलोकेट हुआ है। तो आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप ऑलरेडी फार्म कर रहे थे, अगर आपके पास ऑलरेडी पॉइंट्स हैं, तो पहली बात कल मोड टोकन क्लेम कर पाओगे, आपको कितना एलिजिबल हुए वो मालूम, मुझे भी कल ही मालूम पड़ेगा। बट उसके बाद वो जो फंड है आपने किया है उसको विड्रॉ मत करना, क्योंकि यहाँ पे season 2 भी चल रहा है। तो इनफैक्ट season 2 में इन्होंने कुछ नई एप्लीकेशंस भी ऐड किया है। तो यहाँ पे आप देखते हो वेलोड्रॉम 5 जो सिर्फ बेस पे था, अब इन्होंने मोड पे लाया है, तो आप इसको भी यूज़ करोगे।
तो आपको और भी मोड पॉइंट्स कमाने को मौका मिलेगा। तो अगेन सारे पॉइंट सिस्टम है, आप देख रहे हो पहला वाला था जीरो लैंड, वो भी पॉइंट सिस्टम था। ड्रिफ्ट जो अभी टोकन चेक कर रहे हो वो भी पॉइंट सिस्टम है। मोड ये भी इनका भी पॉइंट सिस्टम है। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो अगर आप इसको फार्म कर रहे थे और कल आप चेक कर पाओगे आपको कितना मोड मिला है। और फंड वैसे ही रखना, नई ऐप इनफैक्ट यूज़ करने चालू कर देना क्योंकि यहाँ पे सीजन 2 के लिए भी आप एलिजिबल हो पाओगे मोड के लिए। तो बट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो अगर आप मोड फार्म कर रहे थे एंड कल पता चलेगा कि ये कितना इसकी एलिजिबिलिटी हम लोग को मिली है। एंड ऑफकोर्स उसके बाद ये लोग ट्रेडिंग वेडिंग का अनाउंसमेंट करेंगे, एक्सचेंज लिस्टिंग के अनाउंसमेंट करेंगे। फिलहाल कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है, खाली इतना अनाउंसमेंट है कि वेडनेसडे को आप चेक करो मोड टोकन। नो जो नेक्स्ट है चौथा लेयर जीरो। सो लेयर जीरो ने यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया था कि आपको पता है कि लेयर जीरो ऑब्वियसली 2 से 3 साल से इनका प्रोडक्ट लाइव है, काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, वेल फंडेड प्रोजेक्ट है और काफ़ी लोग मल्टीपल वॉलेट से इसको एक्चुअली फार्म कर रहे हैं। तो लेयर जीरो ने यहाँ पे ट्वीट किया था कि अगर सिबिल एक्टिविटी, सो बेसिकली इन्होंने ट्वीट किया है कि अगर कोई भी ऐसा बंदा है जो 1 से ज़्यादा 2 से 3 से 4 वॉलेट से फार्म कर रहा है, यूज़ कर रहा है ताकि उनको मल्टीपल वॉलेट पे उनको एयरड्रॉप मिले, तो आप यहाँ पे इन्होंने एक फॉर्म रिलीज़ किया है, आप यहाँ पे देखते हो ये फॉर्म में सेल्फ रिपोर्ट सिबिल एक्टिविटी। तो ये बोल रहे हैं कि अगर आपके पास मल्टीपल वॉलेट्स, अगर जो भी फॉर्म कर रहा है आप ये सारे वॉलेट्स यहाँ पे इस फॉर्म में बता दो, ओके ये जो वॉलेट्स हैं आपका सबमिट कर दो, तो सारे वॉलेट पे जो भी उनकी एलिजिबिलिटी थी उसका हम लोग 15% हम लोग एलोकेट करेंगे। अदरवाइज अगर हमको मालूम पड़ा कि ये वॉलेट्स एक ही बंदे को बिलोंग करता है तो एक भी नहीं देंगे। तो मतलब आप जितने भी टोकन के एलिजिबल हो किसी भी एड्रेस पे नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास 5 एड्रेसेस तो 5ों के एड्रेस पे 0 मिलेगा। अगर आपके पास 5 एड्रेसेस अगर आप बता देते हो ये फॉर्म के थ्रू तो 5ों एड्रेसेस पे जो भी उनकी एलिजिबिलिटी थी उसका 15% मिलेगा। तो होपफुली जिन्होंने एक ही वॉलेट से फार्म किया है जो एक्चुअली जेन्युइन यूजर है। तो यहाँ पे जो ब्रायन है सीईओ हैं लेयर जीरो के, इन्होंने यहाँ पे ट्वीट किया था, लिसन गाइस इट इज़ वेरी सिंपल, इफ़ यू आर अ रियल यूजर डूइंग रियल थिंग्स यू शुड बी फाइन। सो होपफुली जो रियल यूजर्स है उनका ये लोग पत्ता ना काटें तो वो सही रहेगा। बट लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो आपका क्या ओपिनियन है इसके बारे में। एंड जो लास्ट है वो पफर फाइनेंस। पफर फाइनेंस के ऊपर मैंने वीडियो नहीं बनाया था क्योंकि एक्चुअली ये इथेरियम पे है और इस पर फीस बहुत ज़्यादा लगती है। तो मैंने कुछ बहुत छोटा सा अमाउंट मैंने पफर के ऊपर स्टेक किया था जिसकी वजह से मेरे को 5000 कुछ पॉइंट्स मिला है। आई डोंट थिंक ये बहुत ही ज़्यादा ये मेरे को मिलने वाला है। बट पफर ने भी यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया है, पफर्स मेननेट लॉन्चेस ऑन वेनसडे। तो अगेन इनका भी मेननेट कल लॉन्च हो रहा है। अभी तक इन्होंने एयर ड्रॉप का बताया नहीं है कि कैसे एयर ड्रॉप क्लेम होगा, कैसे एलिजिबिलिटी चेक करोगे, बट इन्होंने बोला है कि इनका मेननेट लॉन्च हो रहा है। ग्रैब देम बिफोर देयर गॉन, यहाँ पे एक एक्चुअली क्वेस्ट भी है जो कंप्लीट करना है और ये मैंने खोला क्वेस्ट में, तो एक्चुअली यहाँ पे और लिक्विडिटी प्रोवाइड करनी है तो मैं प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ। ये मेन नेट पे यहाँ पे फीस बहुत ज़्यादा लगता है। मैंने बताया मैंने थोड़ा सा यहाँ पे अमाउंट सप्लाई किया, उसका यहाँ को 5000 पॉइंट्स मिला है। आई डोंट थिंक इट्स अ बिग अमाउंट, बट जस्ट इन केस अगर आप पफर फार्म कर रहे थे तो इनका मेन नेट लॉन्च हो रहा है कल एंड होपफुली ये बहुत ही जल्दी एयर ड्रॉप का भी बताएंगे। तो ये कुछ एयर ड्रॉप्स हैं जो आप कुछ क्लेम कर सकते हो, कुछ अगले कुछ दिनों में आने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में अगेन मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जहाँ पे आप देखो जहाँ पे उनकी एयर ड्रॉप मिलने के चांसेस हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।